dear students today i shall teach you rest part of the chapter number in the lost spring this is the third video of this chapter this chapter contains two parts first story is related to sahib -e alam or ragpicker and the another is related to a e named Mukesh, whose father works as a bangle maker, but he his different his attitude is different to his father. He does not want to work as a bangle maker, but he wants to become a motor mechanic or a motor driver. I want टू ड्राइव अ कार मुकेश कहता है मैं एक कार चलाना चाहता हूँ मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ऑन मास्टर और मुकेश अपना मालिक अपने आप बनना चाहता है अर्थात वो किसी के अधीन रह करके काम नहीं करना चाहता है आई विल बी अ मोटर मकैनिक ही अनाउंसेस और वह कहता है कि मैं एक मोटर मकैनिक बनना चाहता हूँ डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स आई आस्क ऑथर जंग उससे पूछती है क्या आपको कारों के बारे में कुछ जानकारी है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार मैं कार चलाना सीख लूँगा ही आंसर्स वह उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज सीधे मेरी आँखों में देखते हुए हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट द फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल फिरोजाबाद जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है उसकी धूल भरी गलियों के बीच मृग तृष्णा के समान उसकी आँखों में एक सपना चमकता है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स हर एक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है इट इज़ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री यह शीशे के काम में यानी चूड़ी बनाने के काम के लिए एक केंद्र है भारत में वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फरनेसेज जहाँ पर इन परिवारों की कई पीढ़ियाँ गुजर गई हैं चूड़ी बनाने की भट्टियों में काम करते हुए वेल्डिंग क्लास, शीशे को जोड़ते हुए मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाते बनाते हुए पूरे देश की औरतों के लिए पूरे देश की महिलाओं के लिए मुकेश फैमिली इज एम दैम मुकेश का परिवार भी उन परिवारों में से एक है नन ऑफ them नोज उनमें से कोई नहीं जानता है दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द glass furnaces कि उसके जैसे बच्चों के लिए इन शीशे की कांच की भट्टियों में काम करना एक गैर कानूनी है विद हाई टेम्परेचर इन डेंगी सेल्स इन ऐसी भट्टियों में जिनका तापमान बहुत अधिक है और जो अंधेरी कोठरी में है विदाउट एयर एंड लाइट जिनमें ना तो हवा है और ना ही रोशनी है देट द ला इफ इन्फोर्सड और यदि कानून लागू किया जाए कुड गेट हिम एंड ऑल दोज ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज तो उसके जैसे लगभग बीस हज़ार बच्चे निकाले जा सकते हैं इस काम से इन गर्म भट्टियों के क्षेत्र से वेयर दिस लोग देर डे लाइट आवर जहाँ पर वे अपना दिन का समय व्यतीत करते हैं जहाँ वे अपना दिन भर कठोर परिश्रम करते हैं ऑफ इन लॉजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देर आइज और अपनी आँखों की चमक खो देते हैं मुकेश आईज बीम एज ही वॉलेंटियर टू मी टेक मी होम मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वह मुझे अपने घर ले चलने का प्रस्ताव करता है विच ही प्राउडली सेज इज बींग बिल्ट वह गर्व के साथ कहता है कि उसका घर दोबारा या दोबारा बनाया जा रहा है वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन चौक विद गारबेज हम कूड़े से हटी हुई बदबूदार गलियों से गुजरते हैं पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबलिंग डोर्स और फिर ऐसे घर जिन्हें घर कहते हैं लेकिन वे एक झोपड़ी हैं जिनकी दीवारें गिरती हुई हैं गिरने वाली हैं और दरवाज़े जो हैं हाँ चरमराते हुए दरवाजे हैं कमज़ोर हैं नो विंडोज़ और कोई खिड़की नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज़ ऑफ हुमैन एंड एनिमल्स और जहाँ पर मानव और पशु दोनों साथ साथ रहते हैं इन ए प्राइमवल स्टेट एक बहुत पुरानी कंडीशन में बहुत पुरानी दशा में जैसे कि आदिम आदिम लोग रहते थे ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस वह रुक जाता है एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर्स विद हिज फुट एंड पुसेस इट ओपन। इसका दरवाजा लोहे का है जो बहुत कमज़ोर है उसमें वह है जोर से ठोकर मारता है और ठोकर मारकर खोल देता है वी एंटर अ हाफ बिल्ट से और हम एक आधे बने हुए घर में प्रवेश करते हैं आधे बने हुए झोपड़ी में प्रवेश करते हैं इन वन पार्ट ऑफ इट विद डेड और इसका एक भाग में सूखी घास से बनी हुई जो छप्पर है उसके नीचे इज इज ए फायरवुड स्टोव वहाँ पर लकड़ी से जलने वाला एक चूल्हा रखा है ओवर विच सिट्स अ लार्ज विजल ऑफ सीजलिंग स्पाइनेक लीव्स जिस पर एक बड़े से बर्तन में पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं पालक उबल रहा है पालक की सब्जी बन रही है ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स और ज़मीन पर एक बड़े से बर्तन में एल्यूमिनियम के प्लेट में एल्यूमिनियम की पलात में कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं अफ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली एक दुबली पतली महिला पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है थ्रो आईज मच ओल्डर इन इनियर्स सॉरी थ्रो आइस फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स धुएं से भरी हुई आंखों के साथ वह मुस्कुराती है सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है नॉट मच ओल्डर इन इनर्स उम्र में तो ज़्यादा नहीं है सी हैज़ बीगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू लेकिन उसे बहू के रूप में सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस वह इस घर की बहू है ऑलरेडी चार्ज ऑफ थ्री मैन और उस पर पहले से ही तीन आदमियों का दायित्व है हर हस्बैंड उसके पति उसका देवर मुकेश एंड देर फादर और मुकेश के पिता यानी कि उसके ससुर वन द ओल्ड मैन एंटर्स जब बुज़ुर्ग व्यक्ति प्रवेश करता है घर में सी जेंटली विडाज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल तो वह धीरे से उस टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है एंड ब्रिंक्स्ट हर वेल क्रोजर टू हर फेस और अपने चेहरे के पास घूंघट ले आती है अर्थात अपने चेहरे को घूंघट में ढक लेती है इन दिस केस इस मामले में द एल्डर इज़ एन एम्पोरिश्ड बेंगल मेकर जो बुज़ुर्ग है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्डलेवर लंबे समय तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी फर्स्ट एज ए टेलर पहले उसने एक दर्जी के रूप में काम किया देन आ बेंगल मेकर और उसके बाद उसने एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया ही हैज़ फेल टू रिनोवेट आ हाउस लेकिन फिर भी वह असफल रहा अपने घर की मरम्मत कराने में सेंट इज़ टू सन्स टू स्कूल अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम वट ही नोज और उसने जो कुछ भी किया वो केवल ये था जो उसे आता था उसने वही काम अपने बच्चों को सिखाया द आर्ट ऑफ़ मेकिंग बैंगल्स यानी कि चूड़ी बनाने की कला उसने अपने बच्चों को सिखाई